सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दोपहर 1:30 बजे रॉबर्ट्सगंज के हाइडल मैदान के समीप बने हेलीपैड पर पहुंचे और वहां से कार से हाइडल मैदान में सभा स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि भाजपा की जन विश्वास यात्रा को उन्होंने संबोधित किया। सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज समेत करीब 513 करोड़ की कुल 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 167 करोड़ की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण और मेडिकल कॉलेज समेत 346 करोड़ की 50 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकार कांवड़ यात्रा पर रोक लगाती थी, लेकिन वर्तमान की सरकार में काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता को बढ़ा दिया है। ये फर्क साफ है। पिछली सरकार गरीबों का राशन हड़प कर ले जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। पहले की सरकार में माफियाओं और गुंडों का राज था, वो लोगों की जमीन तक हड़प जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में माफिया अब यहाँ नहीं रह सकते हैं। उन्हें जहाँ भेजना था वहां भेज दिया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी बोले कि हमारी सरकार ने फैसला किया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसी के साथ रेहड़ी दुकानदार हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, सभी को हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। हमारी सरकार वृद्धावस्था पेंशन भी दोगुनी कर देने का फैसला किया है, साथ ही दिव्यांगजनों को भी अब 500 रुपए की जगह हर महीने 1,000 रुपए पेंशन स्वरूप दिए जाएंगे। सीएम ने कहा, सोनभद्र जिले में पेयजल संकट रहता था, लेकिन आज सोनभद्र के आसपास के जिलों में हर घर में नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल मिल रहा है। 2022 तक सोनभद्र समेत आसपास के जिलों के हर गांव में हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। वो भी सरकार थी जब कोई भी नौकरी निकलती थी तो एक बार परिवार वसूली पर निकल पड़ता था, प्रदेश के नौजवान वंचित रह जाते थे। ऐसे में सीएम योगी के द्वारा सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 के पहले सरकारी नौकरी मिलती थी तो महाभारत का कर्ज देते हुए चाचा और भतीजे समेत तमाम रिश्तेदार वसूली पर निकल पड़ते थे। श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री संजीव गौड़ जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सोनभद्र के जिला के प्रभारी श्री अशोक चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अजीत चौबे जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दिलीप पटेल जी, राकेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री भूपेश चौबे जी, अनिल कुमार मौर्य जी, हरिराम चेरो जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, पूर्व विधायक श्री तीरथ राज जी, पूर्व विधायक श्रीमती रूबी प्रसाद जी, चेयरमैन जिला सरकारी बैंक राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग श्री राम नरेश पासवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व जिला के अध्यक्षगण, विधानसभा के प्रभारीगण, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उपस्थित भाइयों बहनों, जन विश्वास यात्रा आपके सोनभद्र में आई है और साथ में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी आपके लिए लेकर के आई है। भाइयों बहनों, सोनभद्र जिला प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यहां के लोगों को आजादी के बाद से आने वाली सरकारों ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। भाइयों बहनों, 2017 के पहले यहां पर किस प्रकार की अराजकता थी? गरीब को मकान नहीं मिलता था, स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया,
यहां पर हावी होकर के यहां के लोगों का शोषण करते थे और यहां की माताएं बहनें जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी दुनिया के अंदर एक नया जो वायरस आया है इसका कोरोना का, दुनिया के तमाम देशों को उसने पस्त कर दिया है, अमेरिका को भी, यूरोप के तमाम देशों को, रूस को, चीन को, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीन बनी है ये वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि जिसने दोनों डोज वैक्सीन की समय से ले ली है कोरोना के या दूसरा जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन यह उसका कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके सामने कोरोना निष्प्रभावी है। और इसलिए भाइयों बहनों वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है, दोनों डोज ले ली है उन्होंने अच्छा किया है, जिन्होंने एक लिया है वे दूसरा डोज भी जरूर ले लें, और जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है उनसे भी मैं कहूंगा कि वे अपने लिए भी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी और समाज की सुरक्षा के लिए भी दोनों डोज जरूर ले लें, समय से ले लें, जिससे हम लोग थर्ड वेव को आने से पहले रोक सके। लगातार सरकार कार्य कर रही है, ये जो सुविधाएं हैं जिनके बारे में अभी श्री कौशल किशोर जी बता रहे थे हमारी सरकार ने तय किया है, ये थर्ड वेव को देखते हुए हम लोग महीने में दो बार हर गरीब को फ्री में राशन देंगे और अब राशन के साथ साथ महीने में एक बार हर राशन कार्ड धारक को एक किलो दाल भी देंगे, एक किलो खाद्य तेल भी उपलब्ध कराएंगे, एक किलो नमक भी उपलब्ध कराएंगे और अंत्योदय कार्ड धारक को एक किलो चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों इसके साथ ही जितने भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वे श्रमिक चाहे वह रजिस्टर्ड मजदूर हो चाहे वह अनरजिस्टर्ड हो, खेतिहर कार्य करने वाले श्रमिक हो, मनरेगा मजदूर हो, कुली हो, पल्लेदार हो, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले हो, इन सबको भी अगले चार महीने तक लगातार 500 रुपए हर महीने भरण पोषण भत्ता के रूप में अन्य योजना के साथ जोड़ने के साथ साथ 500 रुपए अतिरिक्त घर के खर्चे के लिए अतिरिक्त सरकार उपलब्ध